सो गाइस, ये रही मेरी चाय और ये रही नमकीन और यहाँ पे हो रही है चाय पार्टी और 2023 का न्यू ईयर का जश्न मना रही हूँ अकेले यहाँ पे लेंटर के ऊपर। ये 12 बज गए हैं, हैप्पी न्यू ईयर, वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2023। आगे इंग्लिश, पीछे हिंदी, नल ये पटाखे। गुड मॉर्निंग गाइस, ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी थी रात को ही और आज है 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की और माता रानी आपको स्वस्थ रखे, अपनी कृपा बनाए रखे। और अभी ना 8 बजे हैं सुबह के, लेट हो गया थोड़ा उठने में, आज थोड़ा फर्स्ट जनवरी में लेट उठ गई, नहीं इतना तो कुछ नहीं चलता है, तो संडे है ना, ऑफ भी है ड्यूटी से। और कैसा रहा आप सबका न्यू ईयर ज़रूर बताना। ऐसे घर में ना थोड़ा खलारा मचाए और झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, साथ में शॉवर भी ले लूँगी और फिर मिलती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ आज नए साल में क्या करेंगे हम। अभी झाड़ू लगा रही थी, मुझे ना अपनी मेडिसिन मिली होम्योपैथी किडनी स्टोन वाली, मैंने सोचा लेके तो रखी, खाई नहीं फिरी है, मैंने सोचा कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्यों मैं देर वैसे करी, मैंने सोचा स्प्राई करूं तो मेडिसिन को भी घर से भगा ही देती हूं बार-बार मेडिसिन। गाइस, मैंने शावर ले लिया और साथ में मैंने पूजा कर ली, आज मंदिर तो नहीं गए, शाम के टाइम जाएंगे, सुबह काम था थोड़ा तो अपना काम निपटा के फिर शावर लेके देन मैंने पूजा किया और अब भूख लगी है। कल शाम को मैंने बताया था हमने 3 दिसंबर की नाइट हम बाहर गए थे डिनर करने, वो जल्दी कर लिया था 8 बजे के करीब, तो उसके बाद भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अब सारा काम निपटा दिया, अब चलते हैं किचन की ओर देखते हैं। तो गाइस आज का जो ब्रेकफास्ट है वो चाय और चने, ब्लैक चने। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया डन और अब कर रही हूँ मैं थोड़ा काम, अपना काम है थोड़ा सा लैपटॉप में करने को। आप सोचते होंगे ना, आप सोचते क्या, मुझे बोला भी है कि आप तो हॉस्पिटल में जॉब करते फिर बोलते हो कि आप मुझे काम है लैपटॉप में काम है, आप पेशेंट क्या करते हैं, HR में हो ये क्या, जो सैलरी वैलरी देखती, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल का वर्क नहीं है, मेरा QA QC का है, बताऊँगी सारा नहीं बताऊँगी मैं ना, क्या बोलते हैं थोड़ा सा बताती हूँ उसके बाद मैं बर के सारा कुछ बता देती हूँ, तो थोड़ा फुल स्टॉप लगा लेती हूँ, मैं QA QC का करती हूँ कहीं और, समझिए ना, समझाना कुछ टाइम बाद मैं बता दूँगी आपको। तो इसमें मेरा डॉक्यूमेंटेशन का रहता है सारा, जो मुझे कंप्लीट करके वो करना पड़ता है, सारा चेक करना पड़ता है, तो ये काम कर लेती हूँ मैं पहले कंप्लीट, देन उसके बाद फिर मिलती हूँ। और बताओ यार, जो नए साल मनाने के लिए 31st नाइट आउट में गए थे वो घर तक पहुँचे अभी या नहीं पहुँचे हुए, ज़रूर कमेंट करके बताना। आज के बाद हमने सोचा आज ना न्यू ईयर है तो आज बाहर नहीं जाएंगे खाने, क्योंकि कल का मैं बाहर इतना खाती हूँ, तो आज के अपने घर में ही पनीर लेके आ जाऊँगी और पनीर और मटर पनीर बनाएंगे। तो क्या हो गया, दूध ना कोई 1.5 लीटर दूध, देर से थोड़ा मेरे को सवा लीटर था वो ना, सुबह फट गया सारा का सारा, तो मैंने ये क्या हो गया और सारा का दूध सारा फट गया दूध, तो उसके बाद उसका पनीर को ना बांध लिया कपड़े में और रात में ऊपर से ना मैंने कुकर में पानी डाला था, उसको कुकर उसके ऊपर रख दिया और वो पनीर ना इतना सही बना जैसे लगा बाहर से, ये मेरी बचत हो गई 2023 की, मेरा पैसा बच गया पनीर का। अब लंच में बनाएंगे हम पनीर और मटर पनीर। ये है मटर जिसको मैंने बॉइलिंग के लिए डाल दिया, मुझे ना कोई क्या करते हैं मटर के लिए पहले तड़का लगाते हैं फिर जाके पनीर डालते हैं, मुझे पहले ये होना चाहिए उबले हुए मटर हो और साथ में इसमें तड़का लगे तो सही रहता है, वो तड़का अच्छा जाता है इसमें मटर। ये लग गया जी हमारा तड़का, मैंने ना कितने टाइम बाद में लाल मिर्च यूज़ करी हूँ पाउडर, 4-5 महीने के बाद मेरे को जहाँ से मैं मेडिसिन ले रही थी ना देसी दवाई स्टोन की, उसने मना कर दिया था, उसने तो मुझे कोई भी मसाला नहीं खाना, बिल्कुल ये खाना मटर वगैरह सब कुछ बनता, आज मैं बना ही रही हूँ कोई बात नहीं ठीक है। और मैंने यूज़ किया है इसमें लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, मेरे को कलर कितना अच्छा दे रहा है। तो ये हो गया जी, ये मैंने पहले बॉइलिंग कर दिया था, इसमें क्या करूँगी अब पनीर, ये ना सही रहता है इसमें अच्छी तरह से लग जाता फिर तड़का, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं रहता, फिर वो पहले इनको तड़का लगाओ फिर पानी डालो फिर इसके ऊपर से पनीर डालो। देखो ये ना लंच भी हो गया मेरा डिनर भी, मुझे लगता है कल सुबह तक का हो गया ये सामान, अच्छी बात है दोबारा दिन में बनाने के लिए थोड़ी देर इसको रखना है। अब गाइस
खाना हो गया रेडी, देख सकते आप टेना। वाओ गाइस, ये निकाल दिया मैंने खाना, ये रहा मेरा लंच। और टाइम हो रहा अभी 3 बज रहे हैं, ये लंच हो रहा है। ये बन गई है मेरी चाय, और साथ में मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। और चाय का बर्तन धोने में ना बहुत गंदा होता है बाद में, बहुत ज़्यादा गंदा होता है बाद में। और साथ में किचन में लैपटॉप भी आया हुआ है आज। लैपटॉप क्यों आया है, सारा पेंडिंग काम है आज ना, फंस जाना है ठीक है। ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि ये 2-3 दिन पहले का दिया हुआ, अब तो बोलने में यही बोलना पड़ेगा ना, लास्ट ईयर का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुनने में कितना गंदा लग रहा है, देखो आज किचन में आया लैपटॉप, पूरा दिखाऊंगी इसको, थोड़ा हाइड करना है इसको। आप देख सकते हैं मैं बाहर बैठी हूँ और चाय का मज़ा ले रही हूँ, थोड़ी सी चाय बची हुई है तो मैं दिखाती हूँ आपको। जो मेरे पीछे ना ये घर है देखो, जिसमें ओम बना है, यहाँ पे ना एक दादू जी रहते हैं, तो दादू जी ने ऐसे ही दिख रहा है और झूला लगाया, दादू ना झूले में रहता है 24 घंटे, खाता पीता यहीं पर, और ये देखता रहता है, सबको देखता रहता है, सबके घर की रखवाली करती है। एक दिन ना यहाँ 2-3 घर छोड़ के ना एक दिन मोटर लेके गया, तो दादू ने उसको देखा, तो उस दादू ने, दादू को क्या पता कि ये यहाँ का नहीं है, उसमें रेंट वाले रहते, बहुत बड़ा वो है यहाँ पे रेजिडेंसी, तो दादू को पता ही नहीं था। दादू ने सोचा कि ये ना यहीं का है बंदा, तो जब वो लेके चला गया ना फिर लगा पता कि चोरी हो गई है। दादू हर एक घर में ऐसे ऐसी खबरें रखते हैं। तो मैंने 365 डे का चैलेंज लिया, मैं 365 ब्लॉग बनाऊंगी, चैलेंज लिया मैंने, पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो एक्चुअली भला बात पता क्या होती है ना, ब्लॉग जो देखते हैं उनको कंटेंट चाहिए यार, मैं कहाँ से लाऊंगी कंटेंट, है ना, खरीद के तो नहीं ला सकती हूँ। जैसे हम जॉब वाले बंदे तो कितना कंटेंट कहाँ से लाना कंटेंट, है ना। तो ये रहता हमारा रूटीन, तो सुबह शाम बस ये है, खाना पीना हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, जब घूमने गए तो उस चीज़ का ब्लॉग, कोई बात नहीं बनाएंगे ब्लॉग। सो ये गाइस मैं होगी रेडी, वही पुराना अपना शौक, आज मैंने बालों को टाई किया है क्लेचर के साथ, मार के सराफा मार के जा रहे हैं। अभी प्लान तो ये है सराफा जाएंगे, बट बीच में चेंज हो जाएगा कोई पता नहीं। और मैंने सराफा पहुंच गई, अब मैं दिखाती हूँ आपको कितनी भीड़ है, और यहाँ पे मंदिर है बहुत बड़ा। अरे वाओ, ये कैसे बनाया हुआ, झंडे के कलर का है ना। अजी आई एम महालक्ष्मी मंदिर, श्री महालक्ष्मी मंदिर, भीड़ बहुत ज़्यादा है बाहर। पुराने जमाने के देखो बिजली के स्विच है यहाँ पे, वो देखो वहाँ पे सारे पुराने जमाने के यहाँ पे, और ये लाइटें वगैरह भी ऐसे ही होगी, ये लकड़ी का बनाया है ये सारा, बहुत बड़ा ये मंदिर। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सराफा पहुँच गए, और यहाँ पे नाइट सराफा नाइट बहुत ही फेमस है, लगे स्टॉल देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, क्योंकि आज लंच भी बहुत लेट किया था। यहाँ की फेमस शॉप है, इसमें ना स्वादिष्ट गराड़ू मिल रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आके ना जो फेमस गराड़ू उसको खाऊंगी, अभी लेती हूँ पहले, 50 के 100 ग्राम है, बहुत टेस्टी होते होंगे शायद, सारे खा रहे हैं। ले लिए गराड़ू, टेस्ट करके बताऊंगी कैसे हैं ये। यहाँ पे सारे खा रहे थे, नाम इनका गराड़ू, अरे 50 रुपये के 100 ग्राम दिए। पिछली बार मैंने सराफा जी मैंने खाए नहीं है, पर रह गया कि मेरे की मैंने खाने हैं आज, खा लिया, बहुत टेस्टी चटपटे हैं। यहाँ पे मुझे पता आ गया पसंद ये वाला, बहुत ही अच्छा है, फैंसी है, यहाँ पे और भी कलेक्शन है, दिखाते हैं अभी न्यू जो साइड देखो ये वाला।
मैंने वो वाला लिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा है, 250 का दे रहे हैं। हमारे जो दही बड़ा हाउस है यहाँ पे बहुत फेमस है, हमने सोचा यहाँ तक आए सराफा तक तो आज शोची जी का दही बड़ा भी खा के जाते हैं, बहुत फेमस है यहाँ का, 70 का देते हैं दही बड़ा। बहुत मस्त है, सभी दिल्ली में काम कितनी है यहाँ पे। भाई एक आलू को ना अगर बिजनेस लाना है तो ये वाला बिजनेस, एक आलू ना 90 से ऊपर जाता है, ये पैरी पैरी पोटैटो, पैरी पैरी फलाना पोटैटो, पैरी पैरी चिली चीज, फलाना निमकाना, एक आलू को कितने 90 से ऊपर बिकाते ही। गोल्ड मैन का गोल्ड कुल्फी है, थोड़ा सा सोना मुझे दे। ले लिया रबड़ी और मालपुआ, देखो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं मालपुआ, रबड़ी तो खाई हुई है। मुझे ना पंडित जी ने कमल का फूल दिया, अपने आप से पकड़ा दिया मेरे हाथ में, तो मैं मुझे ब्लेस थी भगवान ने, मैं दिखाती हूँ कमल का, फर्स्ट टाइम देखा पकड़ा मेरा कमल का फूल, ऐसे तो देखा तो मैंने ओरिजिनल कभी नहीं देखा कमल का फूल, ऐसे ही देखा है बस जैसे वीडियो वगैरह हुआ ना, कभी नहीं देखा था, आज देखा मैंने, वहाँ भी मुझे पंडित जी ने दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भगवान के दर्शन किए, 2-3 मंदिर में गए, और साथ में मैं एक पर्स लेके आई थी 250 का। सो गाइज आई होप यू एंजॉय माई व्लॉग, सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड गुड नाइट, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, माता रानी आप सबको खुश रखे।